चर्चा करने वाले हैं आज नेहरू कॉलेज को लेकर। जी देखिए, आप सभी पत्रकारों एवं छायाकार बंधुओं का मैं आज हमारे एक छोटे से बुलावे और पहुंचने पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पर आकर के छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, मैंने पिछले दिनों एक आईटीआई लगाई थी, मुझे भनक लगी थी कि भाई कॉलेज के अंदर कुछ एक घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को उजागर जो इस आईटीआई के माध्यम से कई लाख रुपए का गबन है वो पकड़ा गया है, उसे ही मैं आज आपके सामने आपके माध्यम से आपके थ्रू फरीदाबाद की जनता तक और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि उसको संज्ञान में लेकर के उस भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकें और जो जो इसमें संलिप्त हैं उन पर एक्शन ले सकें। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो लगाया था, मैंने इनसे पूछा था कि जो हमारा 2023-24 सत्र के लिए जो फाइन इकट्ठा हुआ था वो कितना फाइन इकट्ठा हुआ था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ जमा किया, सारी चीज़ मैंने उसमें पूछी। तो इनका जवाब में इन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करके दी है। वो जो फाइन था, वो फाइन जमा फाइन का जो नोटिस था वो 25/4/2024 को निकला था, जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगाई गई थी। 10 एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगाने के बाद में उन लोगों को फाइन इकट्ठा करना था, उन लोगों ने फाइन इकट्ठा किया, फाइन इकट्ठा हो गया था आपका 25 तारीख तक वो इकट्ठा हो गया था, नेक्स्ट मंथ तक 25 से 27 मई था ऐसा कोई डेट है, उस तक वो फाइन इकट्ठा हो गया था। वो फाइन इकट्ठा हो जाने के बावजूद लेकिन वो 5-6 महीने तक जमा नहीं हुआ। जब इसके बारे में पूछा गया, जब रिपोर्ट पढ़ी तो रिपोर्ट में पाया गया कि किलर कौन है, तो वो फाइन इकट्ठा करके प्रिंसिपल से पूछा, तो पूर्व प्रिंसिपल थी रुचिरा खुल्लर, उनसे पूछा, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, ना ही उन्हें कोई अकाउंट नंबर बताया गया था जिसमें वो जमा करवाना है। और जो कमेटी बनी उसमें कई त्रुटियां भी पाई हैं, इसमें अगर उसकी गहनता से जांच होगी तो इसके बारे में पता चल पाएगा कि भाई क्या क्या गड़बड़ियां हैं। लेकिन यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, पहला तो ये कि जब फाइन इकट्ठा हुआ तो वो जमा क्यों नहीं किया गया, और जमा 5-6 महीने तक अपने पास किस लिए रखा गया, उसकी मंशा क्या थी। कितना फाइन इकट्ठा हुआ था? ये करीब 3.25 लाख रुपए है। इस फाइन के अमाउंट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो फाइन का अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि जब इस पे गहनता से जांच होगी इसकी तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लगाया था कि भाई जो हमारे कॉलेज में पिछले 50 साल से रद्दी पड़ी हुई है, उस रद्दी का क्या हुआ, वो बेची गई क्योंकि एक साथ कॉलेज से गायब हो गई, तो उसके बारे में पता करना था। जो कॉलेज के अंदर बैंदा हॉल के सामने रखा हुई थी, संदूक थी, अलमारियां थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उसके जवाब में इन्होंने मुझे बोला है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू रिगार्डिंग सेल ऑफ रद्दी एंड कवाड़ा, नो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड इज अवेलेबल इन द कॉलेज, इन दिस रिगार्ड एज नथिंग वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, देन द प्रिंसिपल विल बी द बेस्ट पर्सन टू रिप्लाई। उस समय के जो प्रिंसिपल है वो बेस्ट होंगे। इसके साथ में जो रिपोर्ट अटैच हुई है वो रिपोर्ट भी है इसमें, जो जितने भी चौकीदारों ने सभी ने बताया हुआ, और एक चौकीदार ने तो यहां तक बोला है कि दो बड़े ट्रक और दो महिंद्रा के पिकअप या ट्रक, इस तरीके से चार ट्रकों के बारे में उसने बोला कि चार ट्रकों में इतना कबाड़ा था कि चार ट्रकों में वो कबाड़ा भर के गया है। तो कहने वाली और सुनने वाली और सोचने वाली बात यहां पर यह है कि चार ट्रकों में इतना बड़ा कबाड़ा था, पुरानी अलमारियां थी, संदूक थी, वो सारी चीज गायब हुई, लेकिन कॉलेज के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो कि इन्होंने मुझे आईटीआई में बताया। मेरा कहना नहीं है, ये आईटीआई में रिप्लाई का कहना है। उसके बाद में एक और मुझे पता चला था कि भाई कॉलेज में 75,000 रुपए का एक फंड आया था, उस फंड का क्या किया गया, एक कंपनी ने, एक निजी कंपनी ने फंड दिया था, कंपनी का नाम भी बता देता हूं मैं आपको, विक्टोरा ऑटो लिमिटेड ने दिया था, उसमें 75,000 रुपए की राशि आई थी डोनेशन के रूप में, वो राशि का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें जो उसमें इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, इन्होंने बोला है एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन कॉलेज फंड, द रिकॉर्ड शो देन द अमाउंट वाज विथड्रॉन बाय इंद्रदीप लैब अटेंडेंट एंड अमाउंट वाज हैंडेड ओवर टू द देन प्रिंसिपल डॉक्टर चिरा खुल्लर 20 फरवरी 2024। कॉपी अटैच कर रखी उन लोगों ने मेरे के साथ में, उन्होंने उसने लिख रखा है, जो ये कॉपी है इसमें कॉपी भी अटैच है वो वाली, कि जो 75,000 रुपए थे वो 75,000 रुपए हमने उसे दे दिए हैं, मैडम प्रिंसिपल को हमने कैश करवा कर दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी देखने में आई है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने इनसे कई सवाल और पूछे, इसके समय पर मैंने एक सवाल ये भी पूछा था कि इन्होंने एक चौकीदार को रखा था, उस चौकीदार को एचकेआरएन के अलावा रखा गया था, किसकी अनुमति से रखा, को कमेटी बनाई गई, तो इसमें उन्होंने बताया कि कमेटी वाज फ्रेम्ड, कमेटी तो फ्रेम करी गई थी, बट नाइदर कमेटी वाज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट नॉट डिड द कमेटी रिकमेंडेड बाय अपॉइंटमेंट, ऑल द डिसीजन वर टेकन सो द कमेटी वाज अनअवेयर ऑफ प्रोसीजर्स बीइंग अलाउड और नॉट, यानी कि कमेटी बनाई तो गई थी लेकिन ना तो कमेटी से पूछा गया, ना ही कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था कि जिसको रखना चाहिए। एक क्लर्क था, उस क्लर्क को भी दोबारा से रखा गया था, तो जिस क्लर्क को रखा गया था दोबारा से, तो उस क्लर्क को रखने के लिए भी वो कमेटी बनाई थी इन्होंने, तो उस कमेटी में भी, कमेटी तो बना दी उसमें, लेकिन उसमें भी उस कमेटी से, तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो मेन जो चीज यहाँ पर देखने में मिली है वो एक तो 75,000 रुपए डोनेशन आया था, वो प्रिंसिपल ने कैश करवा के अपने पास रख लिया, उसका क्या हुआ इसका कुछ नहीं पता। जो 50 साल का कबाड़ा था, अलमारी थी, संदूकें थी, बेंच थी जो रद्दी पड़ी हुई थी, और तो और मुझे पता चला है उसमें कि जो वो उसमें पुरानी डिग्रियां भी थी, बच्चों की, कई सारे बच्चों की जैसे डिग्रियां नहीं मिलती है, तो वो भी सारी चीजें इसमें बेच दी गई हैं, इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। और एक इसमें जो फाइन वाला मामला था,
करीब 3.25 लाख रुपए का फाइन था वो इकट्ठा हुआ। इकट्ठा करने के बावजूद, इकट्ठा तो कर लिया लेकिन 5-6 महीने पेपर भी हो गए, बच्चों के रोल नंबर भी बट गए, लेकिन वो फाइन अकाउंटों में जमा नहीं किया। उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? ये चीजें तो वो हैं जो मेरे संज्ञान में है, लेकिन इससे भी अलग अगर कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, अगर उन पर इंक्वायरी करी जाएगी तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी चीजें पकड़ में आ सकती हैं। अब देखना है कि जिस समय पर यह घोटाला हुआ था उस समय भी भाजपा की सरकार थी, ऐसा तो नहीं सरकार बदल गई है, सरकार उस समय पर भी यही थी, सरकार आज भी वही है। अब देखते हैं कि जो तथाकथित ईमानदार हैं, जो ईमानदारी का ढोल पीटते घूमते हैं, ये नायब सैनी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, कौन सी चीजों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिन लोगों ने इन मेरे छात्र को, जो छात्रों के हित के लिए पैसा आया था, जो छात्र कल्याण के लिए पैसा आया था, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है? क्योंकि ये तो पैसा स्पष्ट है कि भाई छात्रों के कल्याण में लगना था, लेकिन वो पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि भाई एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार का मैंने बिल मांगा, इन्होंने बिल नहीं दिया, उस सेमिनार में भी बड़ी गड़बड़ देखने में आई है, उस सेमिनार का भी हम पता करेंगे, उसके भी मैं बारे दोबारा से आरटीआई लगाऊंगा। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आपने आरटीआई लगाई, आरटीआई में आपने कई पॉइंट रखे थे जी, तो आपको क्या लगता है कि उन पॉइंटों के साथ कुछ जवाब नहीं मिला, और दूसरा घोटाला टोटल कितना लगता है आपको? देखिए ये जो एक्यूरेट अमाउंट है, जैसे 75,000 वाला क्लियर है, फाइन वाला क्लियर है, लेकिन फाइन अभी मुझे वर्बली पता चला है कि फाइन उन्होंने उस अकाउंट में जमा करवा दिया, लेकिन जो 5-6 महीने अगर बैंक ब्याज का भी नुकसान मैं मानूं, बैंक ब्याज का भी नुकसान हुआ, और जो कमेटी बैठी है उस पे, उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है, तो उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसकी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है कि भाई इसमें पूरा मामला कितना गड़बड़ हुआ है, कितने पैसे की इसमें गड़बड़ हुई है, कबाड़े वाला और ये फाइन वाला, और 75,000 आपके सामने क्लियर है, और इसके अलावा भी और कितने सारे घोटाले हो रखे हैं, ये तो मेरे संज्ञान में है। जी देखिए मैं तो कागज का मुवीद हूँ, मैंने तो कागज मांगे हैं, मैं इस बारे में उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मेरे तो सामने आया है, प्रिंसिपल इसके लिए एक जिम्मेदार जवाबदेह आदमी है ही नहीं, इस पे तो ऊपर की अथॉरिटी काम करेगी। ये फाइन वाला मामला भी कैसे उजागर हुआ ये भी बता देता हूँ जी। किसको? इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सवाल पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ सवाल के बारे में। मैंने इनसे ये पूछा था कि राजकीय आपको ये पता है कि किसका राइट होता है? देखिए परमिशन लेनी पड़ती है कोई भी सामान, ये सरकारी कॉलेज है, ये किसी का निजी कॉलेज तो है नहीं, इसके लिए प्रिंसिपल से ऊपर डीएचओ होता है, डीएचओ से ऊपर डीएचई होता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज के लिए, और अगर परमिशन नहीं भी लेनी है, सुन लीजिए जी, देखिए मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार ना, मैं कैसे सवाल जवाब कर सकता हूँ उनसे, सवाल जवाब अधिकारी करेंगे। ये चीज मैं, सारी चीजें जो मैंने आज मीडिया के सामने रखी हैं, ये सारी चीजें एज इट इज मैं शिक्षा मंत्री के सामने भी रखूंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा, ACS के सामने भी रखूंगा, वो देखें इस मामले में क्या है क्या नहीं है जी। देखिए कोई भी चीज सेल होती है, मैं फिर दोबारा इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीज सेल करते हैं तो सेल करने से पहले उसके लिए टेंडर निकलता है, कौन आदमी उसको उचित भाव दे रहा वो है। इसमें तो इन्होंने स्पष्ट खारिज कर दिया उस बात को कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। जो लाइब्रेरियन है उनकी भी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं था, पहले दिन शाम को 4 बजे जिस दिन ये लोग कॉलेज से गए हैं उस दिन तक तो कबाड़ा था, जब अगले दिन आके देखा तो उस यहाँ से कबाड़ा साफ था। देखिए सीधी सी बात है, मेरे को तो आरटीआई मैं नहीं कह रहा, आरटीआई ये तो आईटीआई कह रही है, आईटीआई में रिकॉर्ड ही नहीं उस चीज का अवेलेबल कोई, अगर कबाड़ा बिका है, हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल है, बिल मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट है ना, इसमें इनमें चौकीदारों की स्टेटमेंट है। देखिए साहब मेरे को जो चीज मिली है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, मेरे को आईटीआई में जो इन्होंने दिया है, यहाँ पे एक चौकीदार राकेश है, उन्होंने बोला मेरा नाम राकेश है, मैं नेहरू कॉलेज में चौकीदार पोस्ट हूँ जी, घुमा देता हूँ, पोस्ट पर हूँ, बैंदा हॉल के सामने मार्च के महीने में बहुत सारा पुराना लोहे और रद्दी का अलमारी कबाड़ रखा हुआ है, जो कि 4:30 बजे महाविद्यालय से लेकर गए थे। ये है राकेश हैं, ये हमारे इसमें कॉलेज में कार्यरत हैं। मनोज कुमार स्वीपर 2014 सफाई कर्मचारी हैं, पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने बैंदा हॉल के सामने काफी लोहे का सामान और पुरानी अलमारियां पड़ी हुई थी, वो सारी गायब है मार्च के महीने में, ये मार्च के महीने में हुआ है। और एक दीपक है उनकी भी स्टेटमेंट है इसमें, एक रमेश है उनकी भी स्टेटमेंट है इसमें, रमेश के अलावा जो लाइब्रेरियन है मैडम, लाइब्रेरियन मैडम के अंडर में होती है सारी चीजें, अलमीरा वगैरह थी जो ये चीजें थी, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है इसमें। उपरोक्त विषय पर मेरा निवेदन है कि बैंदा हॉल के सामने कबाड़ा पड़ा हुआ था जिसमें अलमारियां पुराना रिकॉर्ड आदि था, उसको बेचने बारे में मैं किसी भी कमेटी की मेंबर नहीं थी, नहीं है कबाड़ मेरी मौजूदगी में नहीं बेचा गया था, 4 बच्चे
चार बजे मैं महाविद्यालय से चली गई थी। इस बारे में निवेदन है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अगले दिन सुबह जब चार बजे महाविद्यालय तो कबाड़ा नहीं था। इस बिक्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये जो कॉलेज के एम्प्लॉयज हैं, जो कॉलेज के सरकारी एम्प्लॉय हैं, उन लोगों की स्टेटमेंट है। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी तो अधिकारी इस चीज में जी कंपनी का नाम दे रही है, कंपनी का जी, उसने जब कोई भी कंपनी पर नॉर्म के हिसाब से जब डोनेशन देती है, सीएसआर फंड के हिसाब से देती है, बकायदा एक मेंशन किया होता है। ठीक है, किस पर्पस से दिया, कोई मेंशन है आपके पास? नहीं, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। जो हमारे क्लर्क है इंद्रदीप क्लर्क की इसमें स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। डोनेशन की 75,000 राशि लाने बारे में, ठीक है जी, निवेदन है कि यूनिवर्सिटी अकाउंट में विक्टर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 75,000 रुपए की राशि भेजी गई है। कृपया करके इस राशि को निकालने की अनुमति प्रदान करें। यह राशि सर 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 एक सेकंड, यह राशि निकालने के पश्चात प्राचार्य को दे दी जाएगी। ये पेड टू प्रिंसिपल मैम 20/2/2024 को 75,000 रुपए पेड कर दिए गए, उनकी स्टेटमेंट है। अब किस नॉर्म्स के अंदर आई है, डोनेशन आया इतना पता है मुझे, किस लिए आया, क्यों आया, ये तो किसी को भी नहीं पता। इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये आईटीआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं आईटीआई के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीजें आपके सामने है भाई, यही है जी। इस मामले में सरकार का जिक्र किया, क्या लगता है सरकार की भी कोई साठगांठ है? देखिए, इतने बड़े स्तर की चीजें हैं, मैंने पहले जब मेरा निष्कासन हुआ था तो निष्कासन के समय पर भी मैंने ये चीजें बोली थी कि भाई साठगांठ से चीजें करी जा रही है। एक 7,000 रुपए के बच्चे के एडमिशन वाला मामला भी मैंने उस समय पर उठाया था। तो इन्होंने उस चीज को क्लियर ना करके मेरे लिए कह रहे थे नेक्सस, नेक्सस तो ये चल रहा है, नेक्सस तो ये आपके सामने है, 75,000 रुपए की राशि कैश करवाई जा रही है, कबाड़ बेचा जा रहा है, ये आईटीआई क्लियर कर रही है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब सरकार की मंशा पता चल जाएगी, ये कागज में भेजूंगा ऊपर। अब इस मामले में आप शिक्षा मंत्री के संज्ञान में डालेंगे? बिल्कुल डालूंगा, सारे लोगों को ईमेल के माध्यम से सारे लोगों को अवगत कराया जाएगा। जैसे पहले करवाता था ऐसे अब की बार भी कराया जाएगा, सारे लोगों को अवगत कराया जाएगा। अब देखना ये है कि ये तथाकथित ईमानदार लोग कितना एक्शन लेते हैं, कितने लोगों पर एक्शन लेते हैं, जो हमारे बच्चों के हित का पैसा था इसे वापस लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो जी जांच का विषय और आने वाले भविष्य का पता। देखिए जो चीजें हैं, देखिए जिस समय पे ये चीजें हुई हैं, 75,000 रुपए वाली राशि थी, उसमें लिखा हुआ है क्लर्क ने कि जी मैंने डॉक्टर रुचिरा खुल्लर को दी, मैडम को दी, प्राचार्य को दी है। जो कबाड़ बिका है वो मैडम के समय पे बिका है। जो फाइन वाला मामला हुआ, 5-6 महीने फाइन लेट हुआ है, उसमें भी त्रुटियां पाई गई है, वो भी मैडम के समय का मामला है। तो कॉलेज का जो सीनियर है, जो वो तो प्रिंसिपल ही होता है। अब वो इस बारे में अब सरकार इसमें मतलब जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो जांच कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। देखिए मैं तो आईटीआई कॉलेज प्रशासन, सीधी सी बात है आईटीआई है, आईटीआई का जवाब है, आईटीआई के बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच।